ग्राम पंचायत कोनिया कला में आम रास्ता बंद किए जाने से ग्रामीण परेशान। रीवा जिले के देवघर तहसील के ग्राम पंचायत कोनिया कला में आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। पूर्व सरपंच चंद्रभान सोनकर द्वारा खंडाजा निर्माण कराया जा रहा है और बुद्ध सिंह सोनकर द्वारा अब यह कहकर रास्ता को रोका जा रहा है कि मेरे पट्टे की जमीन है, मैं इस रास्ते को अवरुद्ध रखूंगा। आइए आपको सुनाते हैं हीरालाल मांझी, रमेश मांझी, पुष्पेंद्र, सीताराम, रोलर देवी, कुंती देवी, चंद्रमणि एवं बुद्ध सिंह सोनकर द्वारा क्या बताया गया। आप अपना परिचय बताएं, ये रास्ता क्यों अवरुद्ध है। जी मांझी, हमारी परिचय, हमारा नाम बुद्ध सिंह सोनकर, ग्राम पंचायत कुनिया कला। जी ये रास्ता इस कारण बंद है कि जब ये है अपने में जन वाले, आज इनका लड़का हमका कफन दफन कहीं श्मशान बनवाओ, तोर हर समय दाई महतारी करी, गारी गुप्ता करी, चोर बदमाश बोल रही हमारे जान। अब बोले के ना हमको बोले थे, फिर अपन अपन सब बोले रचे रहा। के हमारे लड़के की जान का खतरा है, ये लोग हर समय मारपीट पर उतारू होते हैं, ये जमीन मेरे पट्टे में है, इसलिए मैंने पत्थरगड़ी करवा चुका हूँ, इनका आधा घर फंस चुका हमारे पट्टे में, ये जबरदस्ती हमारे साथ श्मशान बनवाते हैं, मारपीट करते हैं, हर समय इनकी ये आदत है। सर ये बताएं, सर बुद्ध सिंह जी आप ये बताएं कि जो ये रास्ता है इसमें खड़ंजा लगा हुआ था। ओ, खड़ंजा श्रीमान जी इसे बिछवाया दे रहे हैं। नहीं, कौन बिछवाया था, ग्राम पंचायत ने बिछवाया था या आपने बिछवाया था? नहीं नहीं, ग्राम पंचायत बिछवाया, ग्राम पंचायत ने बिछवाया था। हाँ, बहुत पहले, बहुत पहले, जब सरपंच थे, आज 20 साल पहले ये पत्थर रखवा दिए। 20 साल से ये रास्ता चलती रही है। हाँ, 20 साल से रास्ता चलती रही, आज इसको अवरोधक किया गया है। जी हाँ। कुंती जी, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ही सब, बाल बच्चों के घर मुहर बंद हो चुका है, गली निकला के रास्ता नहीं है, कहाँ नहीं कहाँ से निकला। हाँ चलिए, देखिए आगे मुहर 3-4 से फूटा है, वो बेचारे निकला तो कैसे के निकला हमारा लड़का का देला भाई परिवार। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, SDM तिरुधर को प्रार्थना पत्र देकर ग्रामीण जनों ने आम रास्ता खोलने की अपील की है। देखने वाली बात यह होगी फिर आम रास्ता को अवरुद्ध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ग्रामीणों को रास्ता कब मुहैया होगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। कौन सही है कौन गलत है यह तो जाँच के बाद पता चलेगा। आशीष पाटकर की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।